हेलो दोस्तों, सॉरी आज मैं फ़ोन सॉरी वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज मेरे फ़ोन में टेक्निकली कोई प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा फ़ोन चल ही नहीं रहा था तो इसलिए मैं मोबाइल चला ही नहीं पाई, मतलब चल ही नहीं रहा था फ़ोन, वो कुछ फ्रंट ओपन ही नहीं हो रहा था तो इसलिए मैं वीडियो बना ही नहीं पाई। तो मैं सारा काम करके फ्री हो गई हूँ एंड देन मैं गई थी उनके स्कूल में उसका सेक्शन चेंज करवाने के लिए। देन हुआ नहीं, मुझे एप्लीकेशन लिख के देनी है, वो फिर मुझे कल लिख के देनी पड़ेगी। देन फिर देखती हूँ ओम के हाथ भिजवा दूँगी, अगर उन्होंने बोला है बच्चे से होगा ठीक है, नहीं तो आपको फिर हम कॉल करके इन्फॉर्म कर देंगे, आप आ जाना। मैं अभी जस्ट आई हूँ, बाहर बहुत दूर है। देन अभी हम क्या करने जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ अपनी अनिका को देखने, मम्मा के पास थी वो सो गई है शायद, तो मम्मा भी शायद ऊपर ही है, मैं जा रही हूँ देख के आती हूँ। नाउ हमने खाना खा लिया है, मैंने तो खा लिया है, मम्मी ने को भी दे दिया है, बस यही बाकी है, ये भी आ रहे हैं खाना खाने के लिए। बिकॉज कितने हो गया टाइम, 3:37 हो गया है, तो मैं जरूर बर्तन धो लूँ, किचन साफ कर दूँ, बस फिर तो मेरा काम फ्री हो जाएगा। मेरा बच्चों का टाइम भी हो रहा है आने का, ट्यूशन पढ़ाने का, मेरे ट्यूशन वाले बच्चे भी आने वाले हैं, 4 बजे आते हैं, तो इसलिए मैं फटाफट बर्तन धो के और किचन साफ करके फ्री हो जाती हूँ। किसी दिन मैं आपके लिए, आप सभी के लिए ट्यूशन वाला व्लॉग बनाऊंगी, स्पेशली बनाऊंगी, बट देखते हैं किस दिन बनाती हूँ, जिस दिन टाइम लगेगा अच्छे से उस दिन मैं आप लोगों के लिए, आप सभी के लिए एक अलग से स्पेशल वाला ट्यूशन वाला व्लॉग बनाऊंगी। अब मैं जा रही बर्तन धोने, बिकॉज 4 बजने वाले हैं, 4 बजे से पहले पहले मुझे फ्री होना है। हाँ, मैं ट्यूशन पढ़ा के अभी अभी थोड़ी देर पहले फ्री हूँ, मतलब थोड़ी देर क्या, यही 5-10 मिनट हुए होंगे मे बी फ्री हुई हूँ। टाइम हो रहा है 6:03 और मेरी बिटिया रानी बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, तो इसीलिए मैं निका को लेके लेट गई। देन इसलिए फिर मैंने लेटे लेटे कैमरा उठाया है, बस ये थोड़ा सा मेरा आराम भी हो जाएगा और आपसे बात भी हो जाएगी और निका का दूध पीना भी हो जाएगा। और ये सो चुकी है मेरी लाडो रानी, सो चुकी है बिल्कुल ही एंड बच्चे सब इधर उधर होंगे कहीं बाहर एंड ये सो गई है मेरा गुड्डा। नाउ फ्रेंड्स, अब जा रही हूँ मैं दूध लेने, अनिका सो गई है एंड मैं जा रही हूँ दूध लेने, दूध लेके आऊँगी, देन फिर मैं चाय बनाऊँगी सबके लिए और फिर खाना बनाएंगे। लेट मी देखते हैं आज के खाने में क्या बनता है। आज का स्पेशल व्लॉग, मतलब स्पेशल व्लॉग नहीं सॉरी, स्पेशल बात आज के मेरे व्लॉग की कि मेरे फ़ोन में टिपिकली इतनी प्रॉब्लम आ गई थी, टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई थी, मेरा फ़ोन नहीं चल रहा था 1 बजे तक, तो मेरे तो दिमाग में यही चल रहा था कि आज मैं वीडियो बना ही नहीं पाऊँगी, आज मैं फ़ोन उठा ही नहीं पाऊँगी, मैं आप लोगों से बात कर ही नहीं पाऊँगी, बट नहीं, 1 बजे तक मेरा फ़ोन ठीक हो गया था। देन फिर मैंने आपसे बात की, सच में ऐसा लग रहा था आज मेरे को लगता है मैं फ़ोन उठा ही नहीं पाऊँगी, फ़ोन चलेगा ही नहीं मेरा, कुछ भी नहीं हो रहा था उसमें, कॉलिंग भी नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, बट जब 1 बजे कॉल सब कुछ होने लगा, सब कुछ अपने आप नॉर्मल ठीक हो गया, सब जाके जान में जाना ही। चलो फिर मैं चलती हूँ दूध लेने, दूध लेके फिर बात करती हूँ आप लोगों से। मैं अभी बड़े पापा से मिल के आ रही हूँ दूसरे वाले घर पे, क्योंकि बड़े पापा आज ही आए हैं सुबह मॉर्निंग में गांव से, तो मैं दोपहर से ही सोच रही थी कि जाऊँ बड़े पापा से मिलाऊँ, बट अभी मैं जा नहीं पाई क्योंकि सुबह से मैं दोपहर में उनके स्कूल चली गई थी एंड फिर दोपहर में क्या कहते हैं फिर क्या कहते हैं ट्यूशन पढ़ाने लग गई थी, देन उसके बाद फिर चली गई थी थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ा सामान लेना था, टिफ़न वगैरह लेने के लिए। देन फिर मैं अभी फ्री हुई तो मैंने सोचा कि जाते हैं मिलाते हैं। देन मैं अभी रास्ते में हूँ, पैदल आ रही हूँ, बिकॉज मैं गाड़ी चल रही थी, तो गाड़ी बड़े पापा लेके कहीं चले गए कुछ सामान लेने के लिए, तो मेरे हस्बैंड वो शॉप पे बैठे हुए हैं बड़े पापा की। देन मैं फिर पैदल ही जा रही हूँ, मैं रास्ते में हूँ अभी, बस मैं घर पहुँचने वाली हूँ, थोड़ा सा दूर है घर, मैं रास्ते में हूँ, पैदल चलने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत जोर की भूख लगी है और घर पे जलेबी रखी हुई है, अभी वो लेके आए थे, जा रही हूँ मैं पहले उनको खाऊंगी, और मैंने पापा के शॉप पर से ये और ये टोपियाँ ली हैं, उसको मैं बाद में खाऊंगी चाय के साथ, अगर मैं चाय पी तो जलेबी खाने के बाद, पहले मैं जलेबी खा ले खाऊँगी घर पहुँच के। मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ जलेबी खाने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा लाइट्स कर रही हूँ,
मेरे को लगता है मेरी गुड़िया भी जग गई है, मैं अपनी गुड़िया को देख लूँ पहले फिर खाती हूँ। ना गाइस, मैं पापा के पास से आ गई थी तो मैं कैमरा उठ से नहीं उठा पाई थोड़ा सा। मैं वहाँ से आई तो मैंने जलेबियाँ खा ली थी और मुझे इतनी सफोकेशन होने लगी, मुझे घबराहट से होने लगी एंड देन फिर मैं उठा नहीं पाई। देन फिर मैंने कपड़े ही चेंज कर लिए, मैंने सूट चेंज कर दिया, लोअर टी शर्ट डाल लिया क्योंकि मुझे बहुत सब ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी। फिर मेरा खाना भी बहुत लेट हो रहा था तो फिर मैं फ्री नहीं हो पाई। देन फिर मैंने आपसे बात नहीं कर आप लोगों से बात नहीं कर पाई एंड देन फिर मैं खाने में किचन में लग गई खाना बनाने में। मैंने बनाया बैंगन का भरता, चावल, ये दूध गर्म किया है और मैं रोटी बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड और ओम दोनों खा रहे हैं, मैं रोटी बना रही हूँ। मैं रोटी सेक लेती हूँ, उन लोगों को खाना खिला देती हूँ, देन फिर आपसे मिलते हैं। हम लोगों ने खाना खा लिया, सभी ने खाना खा लिया है, मैंने भी खा लिया है, मैंने दूध भी पी लिया है और सभी को मैंने दूध दे भी दिया है। और ये अनिका के पापा का दूध मैंने रखा हुआ है, मैंने पी लिया है, ओम ने भी पी लिया है, पापा का दूध मैंने दे दिया है, मम्मी ने भी खा लिया है, सब खा के गए हैं। मैंने सब साफ सफाई कर दी है, मैंने बर्तन भी धो दिए हैं, सब कुछ क्लीन हो गया। अब मैं थोड़ा आज ना सफोकेशन सी हो रही है तो मैं जा रही हूँ आज आराम से रेस्ट करके लेट जाऊँगी। मैं कोई कैमरा नहीं उठाऊँगी बिकॉज मैं उनको अच्छा बेटर फील नहीं हो रहा है तो मैं जा रही हूँ अब रेस्ट करें एंड सोने। गुड नाइट, अब मैं आपको कल मॉर्निंग में मिलूँगी। गुड नाइट। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फटाफट से।